नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर 5.3 ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम स्लाइड्स ऑन प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा वन टू द हॉरिजेंटल एंड म्यू वन इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द प्लेन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ए, मास दिया है एम, थीटा वन इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशियंट है वो कितना दिया है, वो दिया म्यू वन। ठीक, ए इज कनेक्टेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शन लेस पुली टू अनदर बॉडी बी। ए जो है वो एक फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से पास करते हुए किससे कनेक्ट है, एक बॉडी बी से कनेक्ट है। ऑल्सो ऑफ मास एम, इसका भी मास वही है जो कि मास ए का दिया है आपको। ठीक, स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शन लेस प्लेन, इस यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ये जो प्लेन है ये कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पर फ्रिक्शन कॉफिशियंट नहीं है, ये स्मूथ प्लेन है, और ये वाला जो प्लेन है यहाँ पर फ्रिक्शन कॉफिशियंट है, ये स्मूथ नहीं है। ठीक, यहाँ पर म्यू वन है, यहाँ पर क्या है, जीरो। इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू टू द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ ये कितना एंगल है, तो वो एंगल दिया आपको थीटा टू। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें चार स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है ट्रू फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, ए विल नेवर मूव अप द प्लेन, ये पूछा है ए अप द प्लेन कभी मूव नहीं करेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है ए अप द प्लेन मूव कर सकता है, ये डिपेंड करेगा कि थीटा वन और थीटा टू में किस तरह की इक्वेशन सेट होती है, किस तरह का रिलेशनशिप सेट होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए मूव नहीं करेगा, ए बिल्कुल मूव कर सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो गलत है। ए विल जस्ट स्टार्ट मूविंग अप द प्लेन व्हेन म्यू इज इक्वल टू, ये बेसिकली म्यू वन होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही सरफेस के पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू वन। ये म्यू वन में कुछ रिलेशन दिया है, म्यू वन और थीटा वन थीटा टू में एक रिलेशन दिया, वो कह रहे हैं कि जब ये रिलेशन ट्रू होगा तो ए है वो जस्ट स्टार्ट कर रहा होगा ऊपर की तरफ मूव करना, यानी ए जो होगा वो एकदम इम्पेंडिंग स्टेट में होगा, एकदम रेडी होगा जस्ट ऊपर चलने के लिए। ठीक, तो इसको हम चेक करेंगे अभी, और पहले फिर बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। तो पहले बी ऑप्शन चेक करते हैं, हम वो कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिस कंडीशन में ए जो है वो जस्ट ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जरा अगर फोर्सेस देखें क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, तो अगर यहीं बनाएं थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा डायग्राम, लेकिन आपको ढंग से समझना है। स्ट्रिंग में मान लिया टेंशन टी है, तो यहाँ भी टेंशन टी और यहाँ पर भी टेंशन टी, बाकी जो नॉर्मल फोर्सेज होते हैं इस तरफ क्या लगेगा, एम वन जी साइन थीटा वन, एम वन एम है जी साइन थीटा वन। ठीक, इस तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, इसी तरह फोर्स लग रहा होगा, क्या होगा, वो होगा एम एम टू, तो एम ही है एम जी साइन थीटा टू। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा डायग्राम, यहाँ कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा, मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और कॉस थीटा कंपोनेंट मैं शो नहीं कर रहा हूँ, कंजेस्टेड हो जाएगा डायग्राम इस वजह से, यहाँ पे भी मैं वो शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं फ्रिक्शन शो करूँगा। ठीक है, तो ए जस्ट मूव करना शुरू करने वाला ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा, कितना होगा वो फ्रिक्शन फोर्स, तो वो होगा म्यू वन इंटू एन, म्यू वन इंटू एन, एन किसके बराबर होगा, एन होगा आपका एम जी कॉस थीटा वन के बराबर। ठीक, अब इक्वेशन क्या बनेंगे, जस्ट मूव करना शुरू करने वाला, अभी शुरू नहीं किया, तो अभी तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ही बनेंगी, टेंशन किसके बराबर होगा आपका, एम जी साइन थीटा वन प्लस म्यू वन एम जी कॉस थीटा वन के बराबर। और अगर इस दूसरे ब्लॉक की बी ब्लॉक की इक्वेशन बनाए तो टेंशन किसके बराबर होगा, टेंशन होगा आपका एम जी साइन थीटा टू के बराबर। ठीक है, अब अगर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें तो क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा टू जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा एम जी साइन थीटा वन प्लस म्यू वन एम जी कॉस थीटा वन। तो ये एम जी एम जी एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर हम म्यू वन एक तरफ ले आएँ तो म्यू वन कॉस थीटा वन ये टर्म इस तरफ ले आते हैं, तो उस तरफ क्या बचेगा आपका, तो बचेगा साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन। तो म्यू वन कितना आ गया आपका, तो वो इक्वेशन जो दी थी वो ड्राइव हो गई है, साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन। तो ये इम्पेंडिंग स्टेट की रिलेशनशिप बनी है और यही बी ऑप्शन में दी गई है, म्यू वन किसके बराबर दिया है, साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन। क्लियर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर,
अब कह रहे हैं फॉर ए टू मूव अप द प्लेन थीटा टू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा वन, तो वो तो यहाँ से इक्वेशन से ही आपको समझ में आ रहा है। देखो म्यू की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और थीटा वन और थीटा टू ये जो दोनों हैं वो हमेशा जीरो और 90 के बीच में ही रहेंगे। थीटा टू भी आपका जीरो और 90 के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब साइन थीटा वन हो, साइन थीटा टू हो, कॉस थीटा वन हो, कॉस थीटा टू, ये इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होनी है, ठीक है। तो म्यू वन हमेशा पॉजिटिव रहता है, कॉस थीटा वन भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जीरो और 90 के बीच में, तो डेफिनेटली ऊपर वाली वैल्यू भी तो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ऊपर वाली पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है कि साइन थीटा टू जो है वो हमेशा साइन थीटा वन से ज़्यादा रहेगा, और जब साइन थीटा टू साइन थीटा वन से ज़्यादा है तो डेफिनेटली थीटा टू मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा वन होना ही होना चाहिए। और यही ऑप्शन कह रहे हैं ऑप्शन सी, फॉर ए टू मूव अप थीटा टू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा वन, ठीक। तो ये ऑप्शन सी भी आपका ट्रू है। बी विल ऑलवेज स्लाइड विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। बी कॉन्स्टेंट स्पीड से ऐसा जरूरी नहीं है, वो एसलेट भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा थीटा टू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू क्या है, क्लियर। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन बन गए आपके, इसका बी पार्ट सही है और सी पार्ट सही है, बी एंड सी।